देहरादून में सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। अवसर पर उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई और सड़क सुरक्षा जागरूकता संदेश देने वाले प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महाअभियान 17 फरवरी तक चलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के प्रयासों के बाद भी जन समस्या के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बार बार सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित करना पड़ता है, उसके बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज माननीय सांसद महोदय जी द्वारा बैठक ली गई सड़क सुरक्षा समिति की, और इसके अंदर जो मेन एजेंडा पॉइंट होते हैं वो यही होते हैं कि ब्लैक स्पॉट कौन कौन से हैं, उन पे क्या क्या कार्रवाई की गई है, इसके अलावा जो घटना होती है वो किस समय ज़्यादा होती है और उसके क्या क्या कारण रहते हैं, और जागरूकता कितनी क्या क्या किया जाए कि जागरूकता इस बात में कि सड़क सुरक्षा किस तरह से सेफ्टी नॉर्म्स अपनाए जाएं, उसके ऊपर आज विचार विमर्श हुआ और जो भी निर्देश दिए गए हम लोग उसको उसका अनुपालन भी कराएंगे। लेकिन फिर दोबारा अपील यही है कि एक तो जो सड़क सुरक्षा के नॉर्म्स होते हैं, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, स्पीड लिमिट में रहना, ये सारी चीज़ें देख लें और उसी के अनुसार सभी लोग जो है ड्राइविंग करें, चाहे दुपहिया हो चाहे चौपहिया वाहन हो, उसमें ड्राइविंग करें।